किसान भाइयों, कई दिन से मौसम गर्म था, बारिश के आसार थे, गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन किसान भाइयों ने सोचा कि मौसम बदल गया। आज 26 फरवरी है और रात इतनी तकड़ी बारिश पड़ी, कहीं कहीं तो इतनी तकड़ी बारिश पड़ी, ये देखिए खेत में पानी भरा हुआ है। किसान ने कितनी मेहनत की, खेत की जुताई की, तैयारी की, खाद पानी का इंतज़ाम किया और बीज तैयार किया गन्ने का, और ये खेत में भी डाल दिया कल शाम, और इधर बीज कटा भी पड़ा है, लेकिन रात बहुत तेज़ बारिश पड़ी, किसान अपना गन्ना नहीं बो पाया। आज पानी भरा हुआ है, देखिए आप। लेकिन किसान बेचारा फिर भी खेती कर रहा है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कहती हैं कंपनी, आप किसान को क्या पता बारिश पड़ेगी, वो कहाँ जाता बीमा कराने के लिए। तो सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। गाड़ियों का बीमा है, हर चीज़ का बीमा है, लेकिन किसान का आज तक बीमा सफल नहीं हो पाया। अब देखिए किसान ने ये गन्ना बीज तैयार किया, काफ़ी बड़ा खेत है भाइयों, काफ़ी खुशी के साथ किसान लगा हुआ था कि भाई मुझे गन्ना बोना है। बीज तैयार किया, छोला ताज़ा गन्ने का बीज बोना पड़ता है, लेकिन बारिश पड़ गई, मौसम ख़राब अचानक हुआ और ये रात बारिश पड़ गई। किसी को क्या पता कल क्या होने वाला है। मौसम विभाग भी कह रहा था बारिश पड़ेगी, लेकिन हमने भी सोचा भाई कई दिन से गर्मी पड़ रही है, अपना जल्दी बो दो, किसान लगा होता जल्दी के चक्कर में, क्योंकि बारिश पड़ेगी तो 10-12 दिन लेट हो जाएगा। इसलिए इस बेचारे किसान ने भी मेहनत की और ये बीज तैयार किया, लेकिन ये बो नहीं पाया। अब ये बीज जो है बोने का मतलब का नहीं रहा, क्योंकि खेत अभी 8-10 दिन जुताई नहीं आएगा, पहले इसे जुताई की जाएगी, फिर खूब निकाल ले जाएंगे, तो ये बीज जो है अब इसे यहाँ से उठा के कोल्लू या करेसर में डालना पड़ेगा। ये सारा मिट्टी में सन गया है, अब बताइए कितनी मेहनत पड़ेगी किसान को। अभी तो 4-5 दिन अंदर भी नहीं घुसा जाएगा खेत में, पूली निकालने के लिए सारा बीज उठाना पड़ेगा, जितना बीज आगे कटा हुआ है ये सब निकालना पड़ेगा। मैं आपको उधर भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये बीज की काछी काट कर उधर डाल दिया गया है। कौन करेगा इसकी भरपाई किसान की? आज ये कोई बड़ी कंपनी होती तो इसका इंश्योरेंस होता, लेकिन किसान बेचारा किसान, ये देखिए भाइयों बीज कटा पड़ा है, ये इसको तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी गारा हो रही है, खेत में पैर धंसेंगे इस पानी में तो बड़ा भी नहीं जाने का किसान पे, तो किसान का कितना भारी नुकसान हुआ है, बेचारे को सारी रात नींद नहीं आई होगी, पूरे परिवार को भगवान से हाथ जोड़ रहा होगा कि हे प्रभु ये क्या कर दिया, लेकिन किसान की कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बात समझ में आई हो तो लाइक करना। आगे के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ किसान भाइयों, यूट्यूब पर और कई जगह मौसम विभाग की खबरें आती हैं, भाइयों वो सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर लग रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है तो 4 दिन बाद काम कर लें, लेकिन क्या करें, इंतज़ार भी नहीं होता। नमस्कार।